फुल तैयारी के साथ। और अब हम ये निकल रहे हैं अपने नए ट्रिप के लिए जो है कश्मीर का। 4 दिन का ये ट्रिप रहेगा और आज हम जा रहे हैं बाई फ्लाइट। लास्ट टाइम हम जम्मू कटरा गए थे तो बाई ट्रेन गए थे, अब हम जा रहे हैं बाई फ्लाइट। हो गया हमारा सिक्योरिटी चेक, हो गया बोर्डिंग पास, हो गया सब कुछ क्लियर और टाइम से पहले हम पहुंच गए। और अभी जाके ट्राई करते हैं लाउंज में कुछ मिलता है या नहीं, हमारे जो क्रेडिट कार्ड है कितने काम के हैं अभी पता लगेगा। यहाँ पे है सांभर और कट फ्रूट फ्रेश एंड बेक बीन्स और साथ में दम आलू भाजी। और ये रवा इडली साउथ इंडियन, वहाँ पे इडली है। ये ले आई मैम सामान खाने का बहुत सारा। और ये सब हमें मिल रहा है प्लाजा प्रीमियम लाउंज एयरपोर्ट टर्मिनल 3 डोमेस्टिक डिपार्चर पे। अच्छा ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी है, सारा कुछ है यहाँ पे। भाजी है, बेक बीन्स है, चिली गार्लिक पोटैटोज और इडली साउथ इंडियन सांभर चटनी पाव। और अभी हम मैं टर्मिनल 3 डोमेस्टिक डिपार्चर के प्लाजा प्रीमियम लाउंज में। बहुत अच्छा लगा, मैं फ़्लाइट में आया हूँ 2 साल बाद। लास्ट 2 साल पहले जब मैं दुबई गया था तब मैंने प्लाजा प्रीमियम लाउंज जो है इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए वहाँ यूज़ किया था। पहले पता नहीं था कि यहाँ पे डोमेस्टिक के लिए होता है या नहीं, बट ये श्योर है अब डोमेस्टिक टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल हर जगह पे प्लाजा प्रीमियम लाउंज होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 कार्ड यूज़ करे हैं। एक करा है मैंने एक्सिस का फ्लिपकार्ट वाला जिस पे मुझे पे करना पड़ा 25 रुपीज़, और एक मैंने यूज़ किया ICICI का जिस पे लगे टोटल 2 रुपये। तो 2 रुपये में इतना सारा खाना। और यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट हो गया, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फ़ोन चार्ज करेंगे, कुछ फ़ोन पे जो एडिटिंग है वो करूँगा, उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे कॉफ़ी लेंगे। और कॉफ़ी यार अल्टीमेट है यहाँ पे। खाना भी बहुत अच्छा था आज, पाव भाजी थी और सांभर इडली ये सब था, तो अच्छा था अभी एक्सपीरियंस। अभी हम टाइम हुआ है कुछ 11 बजे का, 10 बजे का, और हमारा फ्लाइट का टाइम है 11:30 बजे का। और ये हमारा गेट 49, बोर्डिंग स्टार्ट हो गया और बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हम पहुँचे 11 बजे। और अब हमारा बोर्डिंग का टाइम आ गया, अभी जोन 3 की बारी चल रही है, उसके बाद जोन 1 में हमारी एंट्री होगी। और कुछ 2 साल के बाद मैं यहाँ पे फ्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ, कोई 2 साल कोविड से पहले ही कभी गया था जो भी, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है और अलग एक्सपीरियंस भी है। सिक्योरिटी थोड़ी टाइट होगी, रूल्स चेंज हो गए। बहुत लड़े थे, बहुत जिद हुई थी इसके लिए, यहाँ जाने के लिए कश्मीर चल रहे हैं। पर मेरी फटती थी, इसके पीछे एक स्टोरी बताऊंगा कि मैं क्यों कश्मीर जाने से डरता था। एवरीथिंग डन और फ्लाइट में बैठ गए, हमें मिल गई है इमरजेंसी विंडो की सीट। तो भगवान करे कुछ हो ना, अगर कुछ होना पड़े तो मैं आज हीरो बन सकता हूँ। आई गॉट द चांस फॉर हीरो फॉर द प्लेन ऑफ एयर एशिया।
तो हमारे स्थल कर्मचारियों से संपर्क करें। एशिया के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन सुखद रहे। जय गैस वेलानी डेट शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर। द लोकल टाइम नाउ इज 1:01। For safety, please remain seated and use of mobile phones are now permitted. Please do take care while opening the red compartment before leaving the aircraft. ऑल डन, निकल आए हम एयरपोर्ट से और मिल गई हमें हमारी गाड़ी। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किया था, वो मैं प्रिंट आउट भी लेके आया था और फ़ोन में भी लेके आया था। मैंने वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाया एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर फॉर मी। और उन्होंने ये छोटा सा स्टैम्प लगा दिया मेरे हाथ पे और इसके बाद मैं अब कहीं भी जा सकता हूँ। जा रहे अभी होटल और फिर वहाँ जाके